दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई रिकवरेट बाय वंडरशेयर। सो वंडरशेयर एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और ट्रस्टेड ब्रांड ने ही एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर निकाला है रिकवरेट। रिकवरेट की मदद से आप कोई भी डिलीटेड डाटा अपना रिकवर कर सकते हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो, चाहे आपके वो फ़ोन में हो, चाहे वो आपकी कोई एक्सटर्नल ड्राइव, मेमोरी कार्ड, आपके SD कार्ड में कहीं भी हो, आप यहाँ से वो रिकवर कर सकते हो, चाहे कुछ भी डिलीट हो चुका हो। 555 तरह की ये फाइल्स रिकवर कर देता है। आपको जस्ट अपनी ड्राइव चूज करनी है जहाँ से आप रिकवर करना चाहते हो, एंड देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में आपके सामने आपका डिलीटेड डाटा आ जाएगा। एंड डिलीटेड डाटा आते ही, और ये फ्री सॉफ्टवेयर सबसे अच्छी बात है, स्कैन हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपको जस्ट चूज करना है जो भी कुछ आप रिकवर करना चाहते हो। तो कोई भी अगर आप फोल्डर रिकवर करना चाहते हो, आपको सिंपली उसको चूज करके रिकवर पे प्रेस कर देना है। एंड उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इसको प्रो वर्जन में करना चाहते हो, आपको बस इवैल्यूएट पे क्लिक कर देना है फ्री वर्जन के लिए, एंड उसके बाद हमारा देखते देखते हमारा रिकवर हो जाए। आज हम टेक्नोलॉजी रीडिफाइन पे इतिहास लिखने वाले हैं। आपने काफी वीडियोस देखी होगी पबजी गोड मोड की। सो पबजी गोड मोड तो मेरे पास है, पबजी आगे देख सकते हो, पबजी गोड मोड मेरे पास है। आज मैं आपको एक ऐसी गोड मोड पबजी का बताने वाला हूं, आप हैरान हो जाओगे। सो आपके सेल्फ पे पुराने पड़े हुए वीयर बॉक्स को उठा लीजिए, अपने अलमारी से निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम इसका ही प्रयोग करने वाले हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पबजी पे गोड मोड कैसे खेल सकते हो। सो पबजी VR एंड रिमोट कंट्रोल, इन दोनों की मदद से आप पबजी खेलोगे। एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो, शोशे करे हैं पंजाबी में। इवन मैंने, अगर मैं बताऊं तो बच गया, इवन मैंने अपने हेडफोन्स तक तैयार कर लिए इस वीडियो के लिए। माय हेडफोन्स, VR हेडसेट एंड एक रिमोट कंट्रोलर जो कि वाइब्रेट करता है। अगर कोई मेरे को बंदा गोली मारे या मैं किसी बंदे को गोली मारूं तो ये वाइब्रेट करता है। अगर मैं नीचे क्रोच कर रहा हूं तो ये वाइब्रेट करता है, ऐसा लगता है कि हम घास पे क्रोच कर रहे हैं, उस प्रकार से ये वाइब्रेट करता है। इस वीडियो के बारे में जिक्र करूंगा मैं, और चलते हैं यार, बहुत एक्साइटेड वीडियो होने वाली है यार। और वन लाइक फॉर शिवा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अभी क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक वीयर बॉक्स चाहिए, ठीक है, तो और उसके साथ आपको एक ईयरफोन्स चाहिए, ठीक है, और उसके साथ आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्क भी करेंगे हम, थोड़ा सा फन वर्क भी करेंगे, और सभी का कॉम्बिनेशन बनके ये प्रोजेक्ट आएगा। सो सबसे पहले तो एक आपको हेडफोन और एक वीयर बॉक्स, अनिवार्य है, और उसके साथ में ही आपको चाहिए आपका लिए एक रिमोट। सो ये रिमोट कंट्रोल मार्केट में मिल जाएगा आपको करीब करीब 150 रुपए में, जो कि वायर वाला होता है। वायरलेस भी मिल जाएगा आपको करीब 300-350 रुपए में। ये वाला तो थोड़ा ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन वगैरह काफी अच्छे से मिलती है मेरे को, और काफी सारी ज्यादा फंक्शनैलिटी है। इतना महंगा भी नहीं है, क्योंकि इसके प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही रिमोट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले तो आते हैं हमारे हेडफोन्स पे। तो मैंने हेडफोन्स कैसे बनाए, मैं इस पे आते हैं, और उसके बाद हम रिमोट पे आते हैं, रिमोट कैसे कनेक्ट करना है, एंड एंड में हम आएंगे हमारे VR में। कोई भी स्टेप मत स्किप करिएगा, या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो गया आपका गॉड मोड मिस हो जाएगा। सो मेरे को बाद में ब्लेम मत करिएगा। सो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए, अगर आपने नहीं करा जल्दी से ठोक दो यार। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने ईयरफोन्स बनाए हैं। सो आप ऐसी एक डिवाइस खरीद सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो डायरेक्टली आप इसमें एक और काम कर सकते हो, सबसे पहले तो आप इसमें इसका जो सर्किट है उसमें आप डायरेक्टली अपना ईयरफोन्स या अपना हेडफोन का 3.5 mm का जैक घुसा सकते हो, जिससे आपके वो ईयरफोन्स ब्लूटूथ वाले बन जाएंगे, एंड आपको कोई भी मोड या कटिंग वटिंग, कोई भी सोल्डरिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। या आप थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता चल सकते हो और थोड़ा सा सोल्डर करके, एंड जैसे कि मैंने स्टेप्स फॉलो करे हैं, आप मेरे वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, बस हेडफोन जैक के वो 3 points पे शोल्डर करके हमारे ईयरफोन्स की सिर्फ 2-4 तारे हैं टोटल, उसको बारी बारी कनेक्ट करके देख लो कहाँ पर वो वर्क करती है, एंड इजीली वो कनेक्ट हो जाएंगे। सो मैंने कुछ इस प्रकार से करे, और उसके बाद में इसको जस्ट सिंपली असेंबल कर दो। नाउ फाइनल पार्ट, फाइनल पार्ट में मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो आपको T-Cent का या कोई भी आप एमुलेटर यूज़ करते हो वो डाउनलोड करना है। एमुलेटर
क्या होता है, एम्यूलेटर से आपके मोबाइल गेम्स पीसी में चल पड़ती है। जी हाँ, एंड उससे क्या होएगा, ये टीसेंट का अपना है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको पबजी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने वो भी इंस्टॉल कर रखी है, अभी इसको जल्दी से हम प्ले कर देते हैं। एंड प्ले करने के बाद इसको अभी क्या करना है, हमें जस्ट पबजी पे सेटिंग्स में जाके एक्सट्रीम सेटिंग्स कर देनी है इसकी। हमें ग्राफिक्स से कोई मतलब नहीं, अगर बैलेंस रखना चाहते हो, बट हमें FPS से मतलब है। FPS हमें अल्ट्रा या एक्सट्रीम पे ही रखने हैं, दैट इज हाई पे रखने हैं। उसके बाद हमें एक प्रोग्राम चाहिए हमारे पीसी में, जिसका नाम है Trinex VR। Trinex VR का लिंक और सभी चीज़ों का लिंक, जिसका मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही दूंगा। सो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा Trinex जो VR है हमारा, Trinex VR के ऐप को हमारे फ़ोन में भी इंस्टॉल करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करिएगा, क्योंकि इसकी सेटिंग्स थोड़ी उल्टी सीधी है Trinex VR की। एंड अभी क्या करना है, आपको इसको खोल के आपके फ़ोन को हॉटस्पॉट बना के अपने पीसी को उसके साथ कनेक्ट कर लेना है, मतलब आपका फ़ोन हॉटस्पॉट होएगा। एंड उसके बाद हमारा Trinex VR को हैज एडमिनिस्ट्रेशन ओपन कर लेना है। एंड यहां पे जाने के बाद आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, जो मैं कर रहा हूं फिलहाल। एंड आपको यहां पे हाई करना है, हाई कर सकते हो, अल्ट्रा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप अपने फोन की कोडिंग चला के देखना कि कहां पे आपका सेट बैठता है, क्योंकि हर फोन की अलग सेटिंग्स है। बट आप डीप डाउन सेटिंग्स में जाना चाहते हो, मैंने GTA 5 के लिए आधे घंटे की वीडियो बनाई थी पूरी इसकी सेटिंग्स पे ही, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो वो भी आप एक बार वीडियो देख लीजिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे फेक रोल आप अनेबल कर सकते हो, जो ऑफ कर सकते हो, मैं फिलहाल ऑन छोड़ता हूँ, बट सेमी ऑन छोड़ता हूँ। यहाँ पे जाके आपको जस्ट ये इल्यूमिनाटी के साइन पे प्रेस करना है, एंड हमारे फोन पे चल पड़ेगा हमारा VR। हमारा कंप्यूटर स्क्रीन अभी VR बन चुका है, जो कि हमारे फ़ोन पे डायरेक्टली हमारे हॉटस्पॉट के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अभी हमें बस PUBG ओपन कर लेनी है हमारे PC में, एंड ओपन करने के बाद हमें फुल स्क्रीन पे यहाँ पे कर देनी है। एंड फुल स्क्रीन पे करने के बाद एंड अभी आपको कुछ नहीं करना, आपके फ़ोन में भी PUBG चल पड़ेगी। आपको भी बस डबल टैप कर करके इसको अपनी सही लोकेशन पे लेकर आना है। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मेरे आने वाले स्टेप्स को फॉलो करना है, PUBG को लोड करना है, एंड उसके बाद बस समय आ गया है इंतकाम का। सो ऑलराइट, सो सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, वहां पे मेरा लैपटॉप चल रहा है, नीचे कूलिंग फैन लग चुका है, गेम मैच बस स्टार्ट होने वाला है, वेटिंग एरिया में कर रहे हैं। एंड या मेरा फोन भी इजीली कनेक्टेड है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। एंड अभी जस्ट एक चीज की कमी है मेरी। सो मैच स्टार्ट हो गया है, हम जल्दी से करते हैं इसको। एंड बिलीव मी, ये सबसे चीप में है जो वीयर बॉक्स है मेरा, एंड मैच स्टार्ट हो गया है। एंड गाइस, मैंने पहले इस पे कोई मैच नहीं लगाया, ये मेरा पहला मैच है। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, रिमोट नहीं कनेक्टेड हमारा, हो गया, रिमोट कनेक्ट हो गया, ओके हो गया। हाँ, एंड मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, बाप रे, हाँ ग्राफिक, हाँ मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, पहले बात कंप्लीट करूँ मैं अपनी, GTA 5 के ऊपर कि आप GTA 5 कैसे खेल सकते हो अपने VR में। तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो आप आई बटन पे देख सकते हो। सो मैं प्लेन में हूँ, मेरे को प्लेन के सिवाय वैसे कुछ नहीं दिख रहा, अभी आसमान दिख रहा है। तो मेरा रिमोट कनेक्ट हो चुका है, एक मिनट, रिमोट की मैं लाइट बंद कर दूँ पहले, लाइट अंदर घुस रही है, अजीब सा लग रहा है। एंड सबसे डर लग रहा है जब मैं कूदूंगा बीच से। ओके, ओ गाइस, ये एक्सपीरियंस ही अलग है। मेरे को नहीं पता मेरे पाँव के नीचे क्या कुछ आ रहा है, बट ये एक्सपीरियंस ही अलग आ रहा है बिल्कुल। हम लैंड करने वाले हैं अभी।
कहां पे लैंड हो? हाँ, मैं इधर उधर सिर हिला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत रोलिंग मेरे सिर से भी हो रहा है, बाकी मैं इधर से सारा इसका कंट्रोल कर रहा हूँ जहां भी मैंने देखना है, क्योंकि सिर का तो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत, इसलिए मैंने फेक रोल बंद कर रखा है वहां पे। अरे वाह, मेरे को लगा मैं गिरने लगा हूं। वीआर एक घातक चीज है। वाह रे, सो मैं मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं गेम के अंदर हूं बट अभी कोई बंदा नहीं है फिलहाल, तो मैं छुप के बैठा हूं बिल्कुल ही कॉर्नर पे, उतर हूं एक घर पे एंड खेल के देखते हैं अभी आगे। बहुत ज्यादा हार्ट बीट तेज हो रही है क्योंकि मैं लग रहा हूं पबजी के अंदर ही हूं बिल्कुल इस टाइम में। ऑल राइट, मैं क्यों चल रहा हूं मैं क्यों चल रहा हूं, मेरे को इससे चलाना है बंदा, मेरे को बस देखना है खड़के। एंड आप ऐसे खड़े होके भी देख सकते हो बट ऑब्वियसली बात है बंदा खुद पे खुद हिलता है जब वीआर हो कि लगता है कि हम अंदर ही हैं। एंड तभी मैं फर्स्ट पर्सपेक्टिव के अंदर खेलता हूँ। बंदा 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 बंदा, मारना कैसे उसको, मारना कैसे उसको। बोट बोट है, बोट है, बोट है, बोट है, बोट है, बोट है, बोट है। बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए, अभी मेरे को बोट ने मार दिया वहां पे क्योंकि बिल्कुल ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। आप लगेगा पबजी के अंदर हो इस टाइम, हर तरफ पबजी है एंड फेक रोल अगर आप नेबल कर दोगे एंड आप थोड़ा सा सिर हिलाओगे तो वो भी हिलेगा, बट मेरे साथ पास में रिमोट है तो मैंने फेक रोल बंद कर रखा है और सब कुछ इसके कंट्रोल करता है। अगर मैं सिर इस तरह डायरेक्शन में हिला रहा हूँ तो मैं जॉयस्टिक को भी इस डायरेक्शन में हिलाता हूँ ताकि मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था एंड मैं तो यही बोलूँगा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही सफल हुआ है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ओपन ग्राउंड हो तभी मजा आएगा इसका, एंड अगर आपके दोस्त भी खेल रहे हैं तो और भी अच्छा है। तो बट मैं गिरा हूं बहुत बार एंड तभी मैंने टेस्ट बीच में बंद करा क्योंकि मैं अपने गिरते हुए क्लिप नहीं दिखाना चाहता एंड गिरा भी मैं अपने लैपटॉप के ऊपर ही जाके। सो फनी बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेन पे गिरते वक्त बहुत डर लगता है, जब हम प्लेन पे फ्री फॉल पे जाते हैं तब बहुत डर लगता है, गाड़ी चलाते वक्त इतना नहीं फील होता क्योंकि गाड़ी हमारी वहां पे थर्ड पर्सन भी चलती है, बट फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव पे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड इस वायरलेस ब्लूटूथ से तो मजा आ गया एंड रिमोट से तो मजा आ गया, वीआर की तो बात ही क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड फ्यूचर में ऐसी और इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस चाहिए और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आने वाली वीडियो का इंतजार करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एक लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि इस लड़के ने पबजी को वीआर पे चलाया है। सो शेयर करो, ठोको ताली, ठोको लाइक, जो भी ठोको शबक है।